इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के विधानसभा एक में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला व भाजपा के पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा गाड़ी पर लगे कांग्रेस झंडे को लेकर आमने सामने हो गए। पुलिस ने बीच में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तो वहीं झंडा गाड़ी से उतारा गया। दरअसल विधानसभा स्तर पर हो रहे चुनाव में लगातार विवादित घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे मतदान का समय समाप्त हो रहा है, इस आधार पर मारपीट और झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामला विधानसभा एक में नजर आया, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर शुक्ला अपनी खुली जीप में कांग्रेस का झंडा लगाए हुए विभिन्न बूथों पर घूम रहे थे, जिसका विरोध जाहिर करते हुए पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा ने गाड़ी के आगे खड़े होकर झंडा उतारने की बात पर अड़ गए। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गाड़ी से झंडे को उतारा गया। जानकारी लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मनोज मिश्रा, जो कि भाजपा के पूर्व पार्षद है, वह और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला आमने सामने हो गए, जिसमें बीच में पुलिस ने दोनों को ही शांत कराया, नहीं तो एक बड़ा विवाद मौके पर हो सकता था। भैया भैया पीछे 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 मंदिर गाड़ी भी जाएगी।